मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, इलेक्शन नहीं होने और जिन जज साहिबान ने ये फैसला दिया है उनके साथ आइंदा आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक कुछ हो सकता है। आमद मीर के आमिर मतीन के प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। आमिर मतीन अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि अभी तक हम इस बहस में उलझे हुए हैं कि 4-3 है, 5-2 है या 6-2 है, फैसला किस तनासुब से आया है, जबकि वाजे है कि फैसला तो आ चुका है, इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर डिस्कस करते हुए वो बात कर रहे थे कि मुआशी हालात इंतहाई बदतर होते चले जा रहे हैं, मगर हमारे यहाँ इसको मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे। इस सिलसिला में उन्होंने हामिद मीर को लाइन पर लिया और उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की कि क्या होने जा रहा है। हामिद मीर जो कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उन्होंने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में अपनी खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा, इलेक्शन तो नहीं होने जा रहे, अंदर की खबर है, और उसमें उन्होंने ऑडियो लीक्स के हवाले से भी कुछ इशारा दिया। अब ये ऑडियो जोड़ी जाएंगी या वाकई हामिद मीर की बात सच होगी। इस सिलसिला में आज सुबह एक ऑडियो आ चुकी है जिसमे फवाद चौधरी और दीगर जज साहिबान को लेकर के मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि फवाद चौधरी कह चुके हैं कि ये ऑडियो जोड़कर बनाई गई हैं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सवाल ये उठना चाहिए कि हामिद मीर को तो ऑडियो लीक्स के बारे में मालूम था, तो लिहाजा कौन ऐसी ऑडियो निकाल रहा है? बड़ी बासानी हामिद मीर से पूछा जा सकता है कि उनको खबर कहाँ से मिली। आमिर मतीन से क्या बात की, कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं। खबर ये है कि इलेक्शन नहीं होना, मेरे ख्याल में और खबर में बड़ा फर्क है, और खबर मेरी ये भी है कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है कि इलेक्शन होना चाहिए, और उनको उनसे ही आपको मेरी दुआ करनी है। ये तो डराने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि आप एक बहुत ही मुतबर साफी हैं और आप खबर दे रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ये अगर हमारे साथ शेयर कर सकें किस किस्म की अब रुकावट आ सकती है, उसकी क्या नोयत क्या होगी? हर किस्म की रुकावट आ सकती है और हर नोयत की रुकावट आएगी। देखिए आमिर साहब, जब ये बैंक के फैसले की हेयरिंग करी थी ना, तो उनसे 11:30 बजे की हेयरिंग शुरू हो रही थी, तो मैं भी जाके बैठ गया था 11:30 बजे, तो उस दिन ही हमें समझ आ रही थी, 2 घंटे के बाद 1:30 बजे ये 9 की बजाय 5 जाए, और उसके बाद फिर अगले दिन फिर वो सबको पता था कि अब ये 5 में से 3 लोगों का फैसला आएगा, तो उसमें अब सूचना यह है कि हो सकता है कि वजीर आजम साहब जो है वो अब असम्बली तोड़ के इलेक्शन की डेट देके वो भी कोई राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन उसका वो फायदा कुछ है, हालात कुछ इस किस्म के हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मामला जो है वो पाकिस्तान की जो कानूनी सोच है वो एक मसला नहीं है। आप क्योंकि है ना, मुझे और आपको बस दुआ करनी चाहिए कि हमारा एक आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, इसकी साथ को पहले बहुत नुकसान पहुंच चुका है, बस इसकी साथ को मुझे नुकसान ना पहुंचे, और मजीद ऐसी खबरें ना आए, मजीद ऐसी ऑडियो लिस्ट ना आए, ऐसी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके और मेरे प्रोग्राम का मौजूद ना बने, जिससे कि आवाम जो है वो सोचें कि यार उनकी तरफ आते। वैसे मेरी जो